आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8 kg और रेट 220 लिखी हुई है। इसको मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट के द्वारा सेट कर रखा है, जिसे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर को चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वो केजी लिखा हुआ आ रहा है, और जो रेट है वो भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, और इसकी मैं टोटल यहाँ पे एक्चुअल आ रही है। इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। मेरे यहाँ पे एक डाटा है, इसको मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, देखेंगे हमारे जो टोटल अमाउंट है उसका टोटल नहीं हो पा रहा है। अगर हम चाहते हैं इसका मेरा टोटल एकदम सही रहे और इस टेबल के अंदर हमारा जो भी सेल है इसके अंदर ऑटोमेटिक केजी लिखा हुआ आ जाए तो कैसे आ सकता है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें जहाँ पर भी हमें यहाँ पे केजी लिखना है या फिर कोई भी स्पेशल टेक्स्ट को लिखना है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में कीबोर्ड से Ctrl 1 को प्रेस करते हैं। इसमें यहाँ पे नंबर के अंदर हमारे यहाँ पे कस्टम ऑप्शन है लास्ट में, इसके अंदर यहाँ पे टाइप है, इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे 0 टाइप करते हैं, फिर डबल कोच स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं KG और डबल कोच बंद कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे KG लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह से अगर हम रेट के अंदर RS या फिर अमाउंट को लिखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl 1, फिर कस्टम जनरल और यहाँ पे डबल कोच स्टार्ट RS डबल कोच बंद स्पेस 0 और ओके। यहाँ पर भी हमारा रेट आ चुकी है। इसी तरह से हम इस पर भी RS को लिखना चाहते हैं तो Ctrl 1, कस्टम जनरल को डिलीट कर देते हैं और डबल कोच स्टार्ट RS डबल कोच बंद 0 और ओके। देखेंगे कि यहाँ पे KG और RS लिखा हुआ आ रहा है, जिससे हमारे अमाउंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और इसकी टोटल है जो एकदम सही रह रही। जैसे यहाँ पे मैं फिगर चेंज करता हूँ 10, देखेंगे हमारी एक्चुअल अमाउंट आ चुका है। ये तो हमारी जो सीट थी इसके अंदर हमारा फॉर्मूला लगा रखा था। अगर हम चाहते हैं कोई नई टेबल है उसके अंदर कैसे टाइप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख लेते हैं, हमें यहाँ पे टाइप कर रखा है तो एक बार इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चाहता हूँ इसके अंदर जिससे भी मैं 25 टाइप करूँ तो मेरे यहाँ पे KG ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए, तो इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ Ctrl 1, कस्टम जनरल को डिलीट, फिर यहाँ पे 0 स्पेस डबल कोच KG डबल कोच और ओके। फिर यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखूँगा उसके पीछे KG ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी हम टोटल लगा देते हैं। इसी तरह से हम रेट है जिसमें भी हम रेट लगा सकते हैं Ctrl 1, कस्टम डबल कोच RS डबल कोच बन स्पेस 0 और ओके। इसके यहाँ पे हम रेट लिख देते हैं। और यहाँ पे इसकी हम टोटल लगा देते हैं। और यहाँ पे इसका हम टोटल अमाउंट करना है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे रेट आ जाए तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। चाहते हैं कि जैसे हम इसको हमने पहले टोटल कर दिया है तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल 25 × 452, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं नीचे तक। अब चाहते हैं इसके अंदर हम RS को लगाना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl 1, कस्टम जनरल को करते हैं डिलीट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट RS इन्वर्टेड कॉमा बंद स्पेस 0 और ओके कर देते हैं। और यहाँ से उसको डबल क्लिक करके अरेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर के आगे KG या फिर नंबर के पीछे RS अमाउंट को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना